नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और यूपीपीएससी की एग्ज़ाम में आने वाले जीएस के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में सिर्फ सेलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं जो कि कई बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न इसमें है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? एकदम सिंपल सा प्रश्न है लेकिन दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन बी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ऑप्शन डी है सॉरी सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, इसका जवाब आप दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन बताते रहें। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है गोपाल स्वरूप पाठक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में दोस्तों जवाब बताते रहें। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनका पूरा नाम है, यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन सी है जनरल राजेंद्र सिंह जी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में दोस्तों जवाब बताते रहें। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए आपके सामने है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है जॉन मथई। तो भारत के पहले गृह मंत्री पूछ रहा है, फटाफट नीचे दोस्तों कमेंट सेक्शन में जवाब बताते रहें। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला रेल मंत्री कौन थे? भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है ललित नारायण मिश्र, ऑप्शन सी है बंसीलाल, ऑप्शन डी है जॉन मथई। तो सही जवाब नीचे फटाफट कौन सेक्शन बताते रहे दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत का पहला रेल मंत्री कौन थे? भारत के जो पहले रेल मंत्री कौन थे, ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में दोस्तों इसका जवाब बताते रहें। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन डी जॉन मथई। जॉन मथई भारत के पहले रेल मंत्री थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए आपके सामने है सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन बी है कैलाश नाथ काटजू, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है जगजीवन राम। तो सही ऑप्शन क्या है, नीचे फटाफट कमेंट सेक्शन बताते रहें दोस्तों। क्वेश्चन है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन ए सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का पहला वित्त मंत्री कौन थे? भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी है षणमुगम चेट्टी, ऑप्शन डी है प्रणब मुखर्जी। तो भारत के पहले वित्त मंत्री पूछ रहे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन सी आर षणमुगम चेट्टी, भारत के पहले वित्त मंत्री थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था? भारत का पहला विदेश मंत्री कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी है गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। पूछा है भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे, दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के पहले विदेश मंत्री थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? ऑप्शन आपके सामने मौलाना मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सी राजगोपालचारी। तो ऑप्शन आपके सामने, फटाफट नीचे दोस्तों कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहें। हर क्वेश्चन का फटाफट जो आता है उसका सही जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में देते रहें, जो नहीं आता उसका गेस से क्या आपको क्या लगता है कौन सा सही जवाब होगा
फटाफट नीचे का जवाब देते रहें। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए आपके सामने है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी है जे वी मालवंकर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है फटाफट नीचे दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताते रहें। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सी राजगोपालचारी, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? ऑप्शन ए है हरिलाल जे कानिया, ऑप्शन बी है एम पतंजलि शास्त्री, ऑप्शन सी है मेहर चंद महाजन, ऑप्शन डी है बी के मुखर्जी। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहें। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हरिलाल जे कानिया, हरिलाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? ऑप्शन ए है डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है सुकुमार सिंह, ऑप्शन सी है आर के त्रिवेदी, ऑप्शन डी है टी स्वामीनाथन। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? दोस्तों इसका सही जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में बताते रहें। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का पहला मुख्य सूचना आयुक्त कौन था? भारत का मुख्य पहला जो सूचना आयुक्त थे वो कौन थे? ऑप्शन ए है वजाहत हलीबुल्ला, ऑप्शन बी है एन तिवारी, ऑप्शन सी है सत्यानंद मिश्रा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में फटाफट जवाब देते रहें। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए वजाहत हबीबुल्ला भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का पहला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन था? भारत का पहला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन था? ऑप्शन ए सुषमा सिंह, ऑप्शन बी एन श्रीनिवासन राव, ऑप्शन सी है राजीव माथुर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही जवाब क्या है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एन श्रीनिवासन राय जो थे भारत के पहले सतर्कता आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जीवी मावलंकर जो थे भारत के पहले अध्यक्ष थे, लोकसभा अध्यक्ष भारत के जीवी मावलंकर थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्टिनर जनरल कौन था? भारत का पहला आर्टिनर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है सी के दफ्तरी, ऑप्शन बी है जी रामास्वामी, ऑप्शन सी है एम सी सेतवाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला अटर्नी जनरल कौन था? दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एम सी सेतलवाड़ भारत के पहले अटर्नी जनरल थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का पहला मंत्रिमंडल सचिव कौन था? भारत का पहला मंत्रिमंडल सचिव कौन थे? ऑप्शन ए है एन राव पिल्लई, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है उमा भारती, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। भारत का पहला मंत्रिमंडल सचिव कौन था? नीचे फटाफट दोस्तों कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहें। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एन आर पिल्लई भारत के पहले मंत्रिमंडल सचिव थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का पहला थल सेना अध्यक्ष कौन थे? भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जनरल आर एन थापर, ऑप्शन बी है जनरल राजेंद्र सिंह जी, ऑप्शन सी है जनरल के एस मिथैया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन था दोस्तों भारत का पहले जल सेना अध्यक्ष? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जनरल राजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर जनरल राजेंद्र सिंह जी भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वायुसेना अध्यक्ष कौन था? भारत का पहला वायुसेना अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है एयर मार्शल थॉमस एल्टहर्ट्स, ऑप्शन बी है एयर मार्शल सर रोनाल्ड चैंपमैन, ऑप्शन सी है एयर मार्शल सर जेनरल बी गिब्स, ऑप्शन डी है
एयर मार्शल एस मुखर्जी। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एयर मार्शल थॉमस एम हल्ट्स, जो थे भारत के पहले वायुसेना अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का पहला नौसेना अध्यक्ष कौन थे? भारत के पहले नौसेना अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर सॉरी एडमिरल सर मार्क जिम्पे, ऑप्शन बी है वाइस एडमिरल आर डी कटारी, ऑप्शन सी है रियर एडमिरल जे टी एस हॉल, ऑप्शन डी है एडमिरल ए के चटर्जी। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपके सामने नीचे, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताते रहें कि भारत के पहले नौसेना अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रियर एडमिरल जे टी एस हॉल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों क्वेश्चन है कि विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन आपके सामने हैं वेलेंटीना टेरेस्कोवा, ऑप्शन बी है मलेशिया ईयर हार्ट, ऑप्शन सी है गोल्ड मेयर, ऑप्शन डी है चंद्रिका कुमार तुंगा, चंद्रिका कुमारा तुंगा। तो ऑप्शन ये दोस्तों आपके सामने हैं, कमेंट सेक्शन में फटाफट दोस्तों इसका जवाब बताते रहें। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वेलेंटीना टेरेस्कोवा, ऑप्शन ए सही जवाब है, ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला का नाम क्या है? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला का नाम क्या है? ऑप्शन ए है विद्या भंडारी सॉरी विद्या देवी भंडारी, ऑप्शन बी है जंको तभी, ऑप्शन सी है खलेदा ज़रिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो माउंटेन पर चढ़ी थी पहली महिला, उनका नाम क्या है? नीचे कमेंट्स करें फटाफट दोस्तों बताते रहें, और वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जंको तभी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व में ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला कौन थी? विश्व में ओलंपिक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है श्रीमाव भंडार नाइके, ऑप्शन सी है चार्टोल कपूर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चार्टोल कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व में पूछ रहा दोस्तों, विश्व की महिला कौन थी ऐसी थी जो प्रधानमंत्री बनी थी? तो ऑप्शन आपके सामने है श्रीमाओ भंडार नाइके, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है श्रीमाओ भंडार नाइके, ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? विश्व में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? ऑप्शन ए है तेजस्विनी सावंत, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रतिभा देवी सिंह, इन प्रतिभा पाटिल है लेकिन इनका नाम पूरा था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और ये भारत की पहली राष्ट्रपति महिला थी। दोस्तों इसमें भारत की पूछा था, विश्व की नहीं पूछा था, भारत की पूछा था कि भारत में जो प्रथम महिला राष्ट्रपति वो कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है किरण बेदी, ऑप्शन सी है मीरा कुमार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? एकदम सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, इसको तो आप सब जानते ही होंगे। फिलहाल दोस्तों इसका सही जवाब हम आपको बता दें कि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी आनंदी बाई जोशी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आप नीचे कमेंट करें फटाफट दोस्तों बताया करिए। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है भारत में प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? ऑप्शन है सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी है मायावती, ऑप्शन सी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों इसका सही जवाब है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी? भारत में
प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी? ऑप्शन ए है सुमित्रा महाजन, ऑप्शन बी है मीरा कुमार, ऑप्शन डी सॉरी सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है मीरा कुमार। मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि आईपीएस से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए कई बार ये पूछा गया है उन एग्ज़ामों में कि भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी। ऑप्शन ए है किरण बेदी, ऑप्शन बी है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी है श्रीमती अर्चना रामासुंदरम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन बताते रहें, सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। सही जवाब है ऑप्शन ए किरण बेदी। ये भारत की पहली ऐसी महिला थी जो आईपीएस अधिकारी बनी थी, किरण बेदी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन थी? भारत में प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन थी? ऑप्शन ए है पद्मा बंदोपाध्याय, ऑप्शन बी है तेजस्वी सावंत, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्या है इसका सही जवाब? भारत की प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल थी ऑप्शन ए पद्मा बंदोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, FATF की पूर्ण सदस्य पाने वाली महिला सॉरी FTF की पूर्ण सदस्यता पाने वाला पहला अरब देश कौन बना? पहला अरब देश कौन बना जो FATF की पूर्ण सदस्य पाया था? तो ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है तुर्की, ऑप्शन सी है ओमान, ऑप्शन डी है कतर। तो सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सऊदी अरब। सऊदी अरब FATF की पूर्ण सदस्यता पाने वाला पहला अरब देश बना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? मादक पदार्थ वो होते हैं दोस्तों जो नशीले होते हैं, तो उनके दुरुपयोग से तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है 12 जून, ऑप्शन ए है 1 जून, ऑप्शन सी है 30 जून, ऑप्शन डी है 26 जून। तो ये दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये दिवस मनाया जाता है 26 जून को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है 26 जून। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल सा प्रश्न है लेकिन दोस्तों कई बार पूछा गया है, योगा दिवस कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस? ऑप्शन ए है 21 जून, ऑप्शन बी है 1 जून, ऑप्शन सी है 1 जून सॉरी एक ऑप्शन ए है 21 जून को, ऑप्शन बी है 1 जुलाई को, ऑप्शन सी है 1 जून, ऑप्शन डी है 21 मई। तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय योगा दिवस दोस्तों? सिंपल सा प्रश्न, नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट दोस्तों जवाब बताते रहें। इसका सही जवाब है 21 जून, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 मई, ऑप्शन बी 10 मई, ऑप्शन सी है 20 मई, ऑप्शन डी है 15 मई। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी 15 मई, 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है 4 अप्रैल, ऑप्शन बी है 14 अप्रैल, ऑप्शन सी है 30 अप्रैल, ऑप्शन डी है 24 अप्रैल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी 14 अप्रैल, 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व बंजारा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 अप्रैल, ऑप्शन बी है 5 अप्रैल, ऑप्शन सी है 8 अप्रैल, ऑप्शन डी है 13 अप्रैल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन 8 अप्रैल, ऑप्शन सी 8 अप्रैल को विश्व बंजारा दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व बंजारा दिवस 8 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 अप्रैल, ऑप्शन बी 4 अप्रैल, ऑप्शन सी है 7 अप्रैल, ऑप्शन डी है 11 अप्रैल। तो सही जवाब है ऑप्शन सी 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भाजपा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? भाजपा पार्टी जो बनी थी उसका स्थापना दिवस किस डेट को मनाया जाता है? ऑप्शन है ए है 3 मार्च, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल, ऑप्शन सी है 12 मई, ऑप्शन डी है 6 मई। दोस्तों कब मनाया जाता है भाजपा की स्थापना दिवस? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 6 अप्रैल, 6 अप्रैल को भाजपा स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है आपके सामने है 1 अप्रैल, ऑप्शन बी है 3 अप्रैल, ऑप्शन सी है 5 अप्रैल, ऑप्शन डी है 8 अप्रैल। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब दोस्तों इसका है 5 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल, ऑप्शन बी है 4 अप्रैल, ऑप्शन सी है 7 अप्रैल, ऑप्शन डी है 11 अप्रैल। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी का जो रंगमंच दिवस है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 27 अप्रैल, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन डी है 3, ऑप्शन डी है 31 अप्रैल। दोस्तों तीन सॉरी ऑप्शन सी था 3 अप्रैल। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी 3 अप्रैल। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आ रही तो इसे लाइक करते जाइएगा। जिन्होंने तो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करते जाइएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो को क्रिएट करने में। और चैनल को जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है GS की तमाम वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है विश्व का? तो ऑप्शन आपके सामने है 1 मार्च, ऑप्शन बी है 2 मई, ऑप्शन सी है 12 अप्रैल, ऑप्शन डी है 2 अप्रैल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो स्थापना दिवस है वह कब मनाया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 2 अप्रैल को, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल को, ऑप्शन डी सॉरी सी है 3 अप्रैल, ऑप्शन डी है 3 अप्रैल। तो किस दिन मनाया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को विश्व सॉरी भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारत का जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उड़ीसा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 2 अप्रैल, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल, ऑप्शन सी है 4 अप्रैल, ऑप्शन डी है 3 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही जवाब हम आपको बता दें, सही जवाब है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को ही उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है, और जो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस है वो भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो एक ही दिन दोनों दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? पिछली बार पूछा गया था हिंदी रंगमंच दिवस, लेकिन अब पूछ रहा है विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 12 अप्रैल, ऑप्शन बी है 31 मार्च, ऑप्शन सी है 27 अप्रैल, ऑप्शन डी है 7 मार्च। तो कब मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी 27 मार्च। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए आपके सामने है 14 मार्च, ऑप्शन बी है 26 मार्च, ऑप्शन सी है 6 मार्च, ऑप्शन डी है 20 मार्च। तो क्या है इसका सही जवाब दोस्तों? सही जवाब है ऑप्शन बी 26 मार्च। 26 मार्च को विश्व सॉरी बांग्लादेश जो है स्वतंत्रता दिवस मनाता है 26 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 23 फरवरी, ऑप्शन बी है 23 जनवरी, ऑप्शन सी है 23 मार्च, ऑप्शन डी है 14 मार्च। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 23 मार्च को। पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय दिवस है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 13 मार्च, ऑप्शन बी है 23 मार्च, ऑप्शन सी है 21 मार्च, ऑप्शन डी है 3 मार्च। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 23 मार्च। 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते जाइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस हम मात्र 50 प्रश्न करवाने वाले हैं। अगर आप लोग वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो इसके दूसरे पार्ट में हम लगभग 150 से भी ज़्यादा दूसरे पार्ट में वीडियो लेके आने वाले प्रश्न लेके आने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 14 मार्च, ऑप्शन बी है 18 मार्च, ऑप्शन सी है 22 मार्च, ऑप्शन डी है 24 मार्च। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है दोस्तों 24 मार्च। 24 मार्च को जो है विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोग पसंद करते हैं तो हम दूसरे पार्ट में लगभग 150 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आने वाले हैं, 150+ प्रश्न लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका सेकेंड पार्ट में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।